फ्रेंड्स, वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से, और चैप्टर है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। एक्सरसाइज है 6.2 और क्वेश्चन नंबर है 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि फाइंड द इंटरवल्स, क्या निकालना है, इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन एफ गिवेन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3x इज। पहला में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दूसरा में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस तरह का हम लोग पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जो फंक्शन दिया है उसको लिखेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। और चलिए हम एक बना के दिखाते हैं आपको, उसके बाद आप समझ जाएंगे और बनाने लगेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन तो सबसे पहला काम है कि जो फंक्शन दिया है उसको आप लिख लीजिए। गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन है क्या, एफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x² - 3x। तो इंटरवल निकालने के लिए सबसे पहला काम है इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 है और ये 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x - 3। इसका डिफरेंशिएशन करना बड़ा आसान है, है ना। उसके बाद आगे आपको करना क्या है कि जीरो कर देना है इसका, इसका वैल्यू क्या कर देना है, ऑन पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इसको जब हम जीरो कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो हो जाएगा 4x - 3 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो हो गया वह हो गया 3/4। तो जब x पर पावर 1 रहेगा, देखेंगे डिफरेंशिएशन में कितना पावर है, 1, तो 1 वैल्यू निकलेगा। यदि डिफरेंशिएशन करने के बाद पावर 2 आएगा, 2 वैल्यू निकलेगा। तो सबसे पहले इसको निकाल लेना है, है ना। तो ये पॉइंट निकल गया। अब हम लिखेंगे कि द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, तो द पॉइंट x = 3/4 डिवाइड्स द रियल नंबर लाइन, द रियल लाइन इनटू टू पार्ट्स, टू डिसजॉइंट पार्ट्स, डिसजॉइंट इंटरवल्स कहेंगे, डिसजॉइंट इंटरवल्स, जिसका नाम होगा क्या। तो देखिए ये नंबर लाइन है ना, आप नंबर लाइन, हाँ ये नंबर लाइन है ना, ये नंबर लाइन है। कहिएगा कि इधर जाएंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाता है और इधर जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। आपका एक ही पॉइंट है x, और x का वैल्यू है वो 3/4 है। माना कि यहाँ पर 3/4 है, तो 3/4 है तो एक इधर वाला पार्ट हो गया और एक इधर वाला पार्ट हो गया, तो इसके लेफ्ट एक राइट और एक लेफ्ट, है ना। तो हम कौन कौन सा लिखेंगे, तो इधर यदि जाएंगे तो इधर जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 3/4 को छोड़ करके, है ना, 3/4 को छोड़ते हुए, और इधर माइनस इन्फिनिटी को टच ही नहीं कर सकता है, तो एक ये पार्ट हो गया। इधर जाएंगे तो 3/4 को छोड़ करके इधर से यहाँ से लेकर के इधर, है ना। और दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा हम लोग जाएंगे इधर से इधर, तो 3/4 को छोड़ते हुए, और ये कहाँ तक, इन्फिनिटी को किसी ने नहीं टच किया है तो इसको भी छोड़ देंगे। तो x = 3/4 कितने डिसजॉइंट पार्ट में बांट दिया, इसको कितने इंटरवल में बांट दिया, 2 इंटरवल में, एक माइनस इन्फिनिटी ये वाला और एक ये वाला। कैसे लिखते हैं, तो ये 3/4 तो इसको, और ये माइनस इन्फिनिटी, तो एक इधर चला गया एक इधर, एक पॉइंट रहेगा तो 2 भाग में बांटेगा, 2 पॉइंट यहाँ यदि आ गया 3 भाग में बांटेगा। तो बस इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का निर्धारण करेंगे कि क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, है ना। तो प्रत्येक क्वेश्चन में हम लोगों को एक टेबल बनाना होगा। पहला में कॉलम में लिखेंगे इंटरवल, दूसरा में साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और तीसरा में नेचर ऑफ एफ एक्स, है ना।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ये नेचर ऑफ एफ एक्स ऐसे कर देंगे, और हम लोगों को जो भी चर्चा करना है एफ डैश एक्स पर, तो एफ डैश एक्स हमने निकाल के रखा था, तो एफ डैश एक्स क्या है, तो एफ डैश एक्स आपका है 4x-3, है ना, 4x-3। तो अभी हम जो रफ काम कर रहे हैं, आपको ये टेबल भी भरना है, तो टेबल भरने के लिए हमें कुछ रफ काम करना होगा आपको समझाने के लिए। तो पहला इंटरवल क्या है कि माइनस इन्फिनिटी और ये 3/4। 3/4 कहने का मतलब हो गया कि 0.7 के करीब, क्या 0.7 के करीब। तो माइनस इन्फिनिटी और 0.7 को छोड़ करके, तो हम लोग एक्स का वैल्यू क्या ले लें, 0.5, और 0.5 का मतलब क्या हो गया, 1/2, एक वैल्यू लेना है इसके बीच में, इसी के बीच से एक वैल्यू उठाना है। तो हमने एक वैल्यू उठाया, क्या 0.5 मतलब 1/2, तब क्या हो जाएगा एफ डैश हाफ, है ना, उसका उठाए हैं, तो क्या हो जाएगा 4 × 1/2 - 3, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया -1 आ गया। दैट मीन्स क्या आया आपका, इसका जो वैल्यू आया वह क्या आया, नेगेटिव आया, क्या आया नेगेटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x का वैल्यू साइन ऑफ एफ डैश एक्स, इसके बीच का जो वैल्यू उठाए तब यहाँ पर वैल्यू क्या आया, तो वैल्यू आया नेगेटिव। यदि एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा उस समय ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कब, यदि नेगेटिव आएगा तब, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग कहलाएगा। चलिए अब दूसरा इंटरवल लेते हैं हम लोग। दूसरा इंटरवल क्या है, दूसरा इंटरवल है 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब 0.7 से बड़ा और इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं, इन्फिनिटी तक। तो हम ले लेते हैं x का वैल्यू 0.7 से बड़ा, तो हम एक ले लेते हैं, चलिए ले लिए। अब क्या हो जाएगा कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4x-3, तो ये हो जाएगा 4 × 1-3, तो कितना हो जाएगा 1। तो आप ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ 1 ही लीजिएगा, यहाँ हाफ ही लीजिएगा, जो मर्जी वो लीजिए, लेकिन इसी के बीच के लेना है, इसी के बीच से लेना है, ऐसा नहीं कि इससे बाहर ले लिए, आप जो मर्जी वो ले लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर जो 1 आया वह क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये रफ करके आप वहाँ एग्जाम में नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, इतना दूर जो है ये वाला जो काम है, ये वाला काम जो है वो रफ वर्क है, क्या है, रफ वर्क है। आप इसको नहीं भी वहाँ करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमको तो समझाना है आपको, तो हम तो करके आपको दिखाएंगे। तो इसके बीच में एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आया, तो आया पॉजिटिव, क्या आया, पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव आएगा तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या लिखेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बताइए, हम लोग को सवाल में पूछ रहा था कि वो कौन सा इंटरवल है जहां फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो हम लोग यहां फाइनली लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कब हुआ है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कौन इंटरवल में इंक्रीजिंग हुआ है, तो देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ है 3/4 से, ये इसमें इंक्रीजिंग हुआ है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब हम इसको क्या बोल देंगे, हाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब हुआ है, तो देख लीजिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ है इसमें, इस जगह पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे माइनस इन्फिनिटी ये ऐसे, और यही क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। जैसा क्वेश्चन 4 है वैसा ही क्वेश्चन 5 कहता है कि फाइंड द इंटरवल्स, इंटरवल्स इसमें भी निकालना है, इन विच द फंक्शन एफ गिवेन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ - 3x² - 36x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एकदम सेम
जो चौथा क्वेश्चन है सेम उसी तरह का पांचवा है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, जस्ट जैसे उसमें बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग लिखेंगे गिवन फंक्शन। जो गिवन फंक्शन है वह लिख दीजिए, क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, है ना। उसके बाद हम लोग इसको क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स ये हो जाएगा 6x² ये हो गया माइनस 6x माइनस 36, ऐसे कर दिए, है ना। तो इसके बाद का स्टेप क्या हुआ करता था, हम लोग लिख इसको जीरो कर दिया करते थे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर दिया करते थे, जीरो ऑन पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश एक्स क्या है, तो 6x² माइनस 6x माइनस 36, है ना, ये है। इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। यहाँ से हम देखेंगे तो 6 कॉमन भी आ रहा है, तो हो जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 6, है ना, इज इक्वल टू जीरो। ये उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर जीरो। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो अभी अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, x का वैल्यू आखिर में हमें निकालना ही है। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ भी हम लोग 6 कॉमन निकाल लेते हैं, तो काम करने में आसानी होगा, x² माइनस एक्स माइनस 6, है ना, एफ डैश एक्स। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो इसको तोड़ेंगे तो 6 लाना है, तो माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। यहाँ से x कॉमन तो हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन तो x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमारा दो पॉइंट निकलेगा, x प्लस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो इस हिसाब से हम लोग x प्लस 2 को यदि जीरो करते हैं तो x का वैल्यू माइनस 2 होगा, और x माइनस 3 का वैल्यू जीरो करते हैं तो x का वैल्यू 3 होगा। अब दो पॉइंट आ गया तो लाइन कितने भागों में बटेगा, 3 भाग में बटेगा, हम आपको बताए थे। तो x का वैल्यू क्या क्या हो गया, माइनस 3 और माइनस 2, है ना। अब लिखेंगे कि विच डिवाइड्स, माइनस 2 और 3 जो है वो डिवाइड करेगा, क्या करेगा, विच डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू, दो पॉइंट है तो 3 भाग में बांटेगा, इनटू थ्री इंटरवल्स नेमली क्या क्या हो जाएगा। तो लाइन पर हम आपको दिखाते हैं, ये वाला नंबर लाइन है और दो पॉइंट है, एक माइनस 2 है तो यहाँ रख लिए और 3 है तो यहाँ रख लिए। अब ये 3 भाग में बटेगा, इधर है माइनस इन्फिनिटी और इधर है प्लस इन्फिनिटी, एक इधर चला जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और ये माइनस 2, इधर माइनस 2 से इधर ले लिए, एक यहाँ ले लेंगे इसको, एक क्या हो जाएगा माइनस 2 और 3, ऐसे एक ये वाला ले लिए और एक होगा कौन, तो यहाँ से लेकर के, तो 3 को छोड़ते हुए और इधर इन्फिनिटी को छोड़ते हुए कितने पार्ट में हो गया, बट गया 3 पार्ट में। तो हमको 3 बार चेक करना होगा, पिछला क्वेश्चन में 2 बार ही चेक करना था, इसमें 3 बार चेक करना होगा। तो नंबर लाइन को कितने भागों में बांट दिया गया, तो 3 भाग में, है ना, एक भाग इधर, एक बीच वाला पार्ट, एक इधर, है ना, 3 पार्ट में बट जाएगा। तो इस पर हम लोग अब डिसाइड करेंगे कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो जैसा टेबल बनाए थे वैसा ही बनाएंगे। तो ये इंटरवल को हमने निकाल लिया था, अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि एफ डैश एक्स कैसा होगा उसका साइन, और जैसा इसका साइन वैसा ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं एफ डैश एक्स, इसी पर हम लोग को चर्चा करना रहता है। तो एफ डैश एक्स हमारा कितना है, 6x² माइनस एक्स माइनस 6, इसी पे चर्चा करेंगे। और पहला इंटरवल लेंगे, ये सब हम रफ कार्य कर रहे हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि ये सब करके देखेंगे, वहाँ पे एग्जाम में दिखाएंगे। पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी और माइनस 2,
इसके बीच से कोई भी एक एक्स का वैल्यू आप ले लें, माइनस इन्फिनिटी और माइनस टू के बीच में हमें मिलेगा जीरो। क्या मिलेगा? जीरो, या तो फिर माइनस वन भी मिलेगा, नहीं माइनस वन नहीं मिलेगा, माइनस टू। तो इसके बीच में माइनस वन नहीं मिलेगा, माइनस थ्री मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस थ्री। क्यों? क्योंकि ये देखिए लाइन है ना, और ये है जीरो, ये है माइनस वन, ये है माइनस टू, ये है माइनस थ्री, ये है माइनस इन्फिनिटी। तो हमको माइनस टू से इधर ही लेना है, इधर तो कौन मिलेगा? माइनस थ्री। तो एक्स का वैल्यू हमने क्या ले लिया? माइनस थ्री। तो एफ डैश माइनस थ्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिक्स इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर और माइनस थ्री माइनस सिक्स, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? सिक्स, और ये हो जाएगा कितना? नाइन, और ये हो जाएगा कितना? प्लस थ्री, और ये हो जाएगा माइनस सिक्स। अब कितना हो जाएगा? बारह में छः, छः, तो छः गुने छः बराबर क्या? छत्तीस। हमको कैलकुलेशन नहीं देखना, हमको प्लस और माइनस से मतलब है। बोलिए क्या आया? प्लस आया ना, क्या आया? प्लस आया। तो इसको हम लोग प्लस लिखेंगे, तो इसको हम लोग पहला जो साइन आया उसको हम लोग लिखेंगे क्या? प्लस। कौन वैल्यू आया यहाँ? तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव आया तो हम लोग इसके लिए लिखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या लिखते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। अब दूसरा है, दूसरा इंटरवल हम ले लेते हैं, और दूसरा इंटरवल है आपका माइनस टू और थ्री को छोड़ते हुए, माइनस दो और तीन के बीच में, माइनस दो और तीन के बीच में एक जरूर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग चूज कर लेते हैं एक्स का वैल्यू एक, माइनस दो और तीन के बीच में एक जरूर आएगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सिक्स इंटू वन का स्क्वायर, है ना, माइनस वन माइनस सिक्स, ये वाला वैल्यू में इसमें एफ डैश एक्स में बैठाते हैं। तो सिक्स इंटू वन माइनस वन जीरो, तो यहाँ हो गया माइनस सिक्स, ये कट गया, तो माइनस सिक्स, दैट मीन्स हो गया ये माइनस छत्तीस। और यदि ये माइनस छत्तीस हुआ दैट मीन्स ये क्या हो गया? नेगेटिव। और तो इस इंटरवल में हम क्या लिखेंगे? इस इंटरवल में माइनस टू और थ्री का यहाँ हम लिखेंगे नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए हम लोग क्या रिजल्ट देते हैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। एक इंटरवल और चेक करते हैं हम लोग, एक इंटरवल और कौन है? थ्री टू इन्फिनिटी, ये देखिए थ्री और इन्फिनिटी, ऐसे। अब इसके बीच का कोई एक वैल्यू ले लें हम लोग, तो तीन और इन्फिनिटी के बीच में माना कि एक वैल्यू क्या है? चार। तो एफ डैश एक्स हमारा कितना है? सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, एक्स का वैल्यू बैठा दीजिए कितना? चार। तो ये हो जाएगा सोलह माइनस चार माइनस छः, सोलह में चार बारह, बारह में छः, छः तो हो जाएगा छः, और ये हो जाएगा छः, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये छत्तीस हो गया, ये हो गया छत्तीस, वो भी पॉजिटिव आया। क्या आया? पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव में हम लोग क्या लिखते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या लिखते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ हुआ? तो दो पॉइंट पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। कौन कौन सा इंटरवल में? इसमें फर्स्ट और थर्ड में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, और सेकेंड में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ। इसी को हम लोग फाइनली लिख देंगे। तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक ये हमने रफ करके देखा है, आप इसको वहाँ नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। तो हम लोग ये डिसाइड कर लिए कि कब कब होगा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसको लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं हेंस द गिवन फंक्शन, हेंस द गिवन फंक्शन एफ, द गिवन फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
इन कौन है, कौन इंटरवल में, इन इंटरवल्स दो में हुआ था, इंटरवल्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कौन कौन इंटरवल्स था तो हम लोग लिख देते हैं वो इंटरवल कौन कौन था। तो देखिए दो इंटरवल था, पहला और तीसरा, माइनस इन्फिनिटी एक ये था, और कौन था, एक तीसरा था, थ्री टू इन्फिनिटी, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाइल फंक्शन एफ इज, वाइल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा तो इसमें होगा माइनस टू और थ्री के ए में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो बस यही तो आंसर था, कितना आसान है ना, बहुत आसान। तो बस इसको आप ध्यान से देखिएगा एक दो बार, आपको समझ में आ जाएगा। ये प्लस माइनस आप अपने मर्जी से कर सकते हैं, जो वैल्यू लेना है लेकिन इसी के बीच का लेना है आपको, ज़रूरी नहीं कि जो हम ले रहे हैं वही लेंगे आप, जो मर्जी वो आप लेंगे। बस आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि जो इंटरवल है उसी इंटरवल से वैल्यू को हम क्या करेंगे, उठाएंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखें, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।